हाय गाइस, मेरा नाम सृष्टि है एंड आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ जंक फूड। बर्गर्स, पिज्जास, फ्रेंच फ्राइज, डोनट्स, आई मीन हम सबको पता है कि जंक फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन स्टिल आप भी एंड मैं जो वीडियो बना रही हूँ, वी स्टिल कंज्यूम द जंक फूड। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये क्या नेक्स्ट लेवल पावर है जंक फूड की, जो हमारे दिमाग का कभी पीछा ही नहीं छोड़ती है एंड हमें हमेशा जंक फूड की क्रेविंग होती है। फॉर द स्टार्टर्स, हम शुरुआत करते हैं टेस्ट बर्ड से। टेस्ट बर्ड्स जनरली हमारे टंग में, जीभ में प्रेजेंट होते हैं। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट बर्ड होते हैं, जनरली फाइव में कैटेगराइज होते हैं। सॉल्ट मतलब नमकीन, स्वीट इज मीठा, सार मतलब खट्टा, कड़वा विच इज बिटर, एंड द फिफ्थ वन विच इज वेरी न्यू टेस्ट बर्ड, दैट इज कॉल्ड एज उमामी। कुछ स्टडीज ये सपोर्ट करती हैं कि हमें जो ये फूड की क्रेविंग होती है, ये जनरली इसकी साइंस ये भी हो सकती है कि हमें इसकी न्यूट्रल डेफिशिएंसी, मतलब हमारी बॉडी में कुछ पौष्टिक की कमी हो सकती है जिसकी वजह से हमें ऐसे फूड्स की क्रेविंग होती हो। हालांकि ये स्टडी काफ़ी लिमिटेड है और ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन अ पॉइंट टू बी नोटेड। टेस्ट बर्ड्स का ये रोल है कि जैसे हमारे बॉडी में अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है या आयरन की डेफिशिएंसी है, तो हमें स्पेशली फॉर नॉन वेजिटेरियंस थोड़ी मीट खाने की इच्छा होगी, क्योंकि हम उसे क्रेव कर रहे हैं, हमारी बॉडी में उसकी कमी हो रही है। और टेस्ट बर्ड्स जैसे उमामी प्रोटीन के सिक्रीशंस ऑफ क्रेविंग में हेल्प करता है। इसी में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, जैसे कि जो टेस्ट बर्ड्स है हमारे टंग में, ओल्ड स्टडीज़ ये नोटिफाई करती थी कि हमारे जीभ में डिफरेंट स्पेसिफिक जोन्स हैं, जैसे कि टिप में हमें ज़्यादा स्वीट महसूस होगा, बैक ऑफ द टंग में ज़्यादा कड़वा महसूस होगा। तो ये पुरानी स्टडीज़ है जो अब रिजेक्ट हो चुकी है, अब मॉडिफाइड स्टडीज़ ये आई हैं कि दिस इज़ अ मिथ नाउ, टंग इज सेंसिटिव टू ऑल टेस्ट। टंग में सारे काइंड ऑफ सेंसेशंस प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो बैक हो या टिप हो, आपको हर जगह मीठा, कड़वा, यू कैन सेंस इट। जंक फूड काफ़ी साइकोलॉजिकली भी इफेक्टेड है, जैसे कि लोग जंक फूड ज़्यादा तब कंज्यूम करते हैं जब वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, दे आर फीलिंग नेगेटिव, तो वो जंक फूड हाई कंजम्पशन करते हैं। बट हमारा सवाल ये अभी तक नहीं क्लियर हुआ कि जंक फूड ऐसा क्या ताकतवर है कि हमारे दिमाग का पीछा ही नहीं छोड़ता है। इस रहस्य को हमें खोलने के लिए बेसिक्स में जाना होगा। एंड फूड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कौन है? फूड इंडस्ट्रीज। ये फूड बेस्ड इंडस्ट्रीज जो जंक फूड बनाती हैं, इसमें तीन बेसिक इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विच इज शुगर, सॉल्ट एंड फैट। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मेक्स द जंक फूड वेरी टेस्टी, डिलिशियस, टेम्पटिंग एंड एडिक्टिव। गलत फहमी या लैक ऑफ अवेयरनेस तब डिराइव होती है जब एज अ कंज्यूमर आपको पता ही नहीं कि आपके जंक फूड में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। एग्जांपल के तौर पे, फूड इंडस्ट्रीज बहुत अवेयर हैं कि लोगों को आजकल पता है कि फैट वाले फूड अवॉइड करने चाहिए, सो उन्होंने अब उसका सब्स्टिट्यूट कर दिया है शुगर। आपको पता ही नहीं कि आपके खाने और जंक फूड में कितना शुगर है, यू आर कंज्यूमिंग इट मोर देन इट इज बीइंग रिकमेंडेड फॉर योर बॉडी। This is business. Hey. And you can name any kind of junk food, whether it's bread, salad dressings, mayonnaise, pizza sauce, or cold drinks में तो होती ही है। You name it and sugar उसमें present होती है। Food industries ने इस science को वो generally कहते हैं एक ऐसा blissful point जिसमें they know कि consumer like the food and how they manipulate the fat substitute through sugar intake. और ये थ्री इंग्रेडिएंट्स, सॉल्ट, शुगर, फैट, हमारे डोपामाइन सिस्टम ऑफ द ब्रेन में ऐसा इम्पैक्ट डालते हैं कि हमारे ब्रेन को लगता है दैट इट्स अ इमेंस प्लेजर एंड हमारे ब्रेन को कुछ रिवॉर्ड सा मिल रहा हो। हम इसमें ऐसा खो जाते हैं कि वी फील लाइक द फूड इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। ओह माय गॉड, वाओ!
शुगर को हल्के में मत लेना. शुगर इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एडिक्टिव इंग्रेडिएंट अमंग दीज थ्री. एग्जाम्पल के तौर पे हम सब अपने घर में नॉर्मल चाय तो बनाते ही हैं, चाहे सुबह की चाय हो चाहे शाम की. यू कैन ऑब्जर्व इट राइट नाउ आफ्टर लिसनिंग टू मी कि हम चाय बनाते हैं, उसमें एक चम्मच चीनी डालते हैं. फॉर अ वाइल, एटलीस्ट फॉर 2 to 3 weeks, वी आर ओके विद द शुगर जो हम ले रहे हैं उस चाय में. लेकिन धीरे धीरे यू विल एनालाइज कि आपको वो एक चम्मच चीनी भी अब मिठास में कम लग रही है. एंड दैट इज हाउ यू विल स्टार्ट एडिंग मोर शुगर देन यू आर एक्चुअली कंज्यूमिंग. आप पहले एक चम्मच डालते थे, आप 1.5 डालोगे, फिर आपको वो भी कम लगेगी और फिर आप 2 spoons पे भी पहुंच जाओगे. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कोई चीज़ हम अपनी बॉडी में डेली कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी बॉडी ये फील करती है कि अब इसमें अपना पूरा मैकेनिज्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी उस चीज़ से हैबिचुअल होना स्टार्ट हो जाती है. इट्स नॉट ओनली रिलेटेड विद द शुगर. आप पेन किलर्स का एग्जाम्पल ले लीजिए. किसी इंसान को अगर डेली दर्द होता है और वो डेली वो पेन किलर्स कंज्यूम करेगा, सो एक पॉइंट के बाद वो पेन किलर भी उसकी बॉडी पे उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी. सो दैट इज़ हाउ हमारा सेंसरी सिस्टम वर्क करता है. तो जनरली ये क्वेश्चन अराइज होता ही है कि अगर हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या. हम अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन कर सकते हैं क्या कि वो जंक फूड ना खाए और हेल्दी फूड खाए? इसका आंसर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जनरली हमारा ब्रेन ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि व्हाट इज़ अ हेल्दी न्यूट्रिएंट एंड व्हाट इज़ द फूड दैट यू लाइक व्हिच कैन बी जंक. एंड दिस टर्म व्हिच इज़ कॉल्ड लाइकिंग ऑफ द फूड इज़ एक्चुअली रिजिस्ट द चेंज. जैसे कि हमारे फूड की जो रिलेटेड मेमोरी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मोमोज बहुत पसंद हैं, तो मेरे फूड में जो मोमोज से रिलेटेड मेमोरीज हैं, इट्स लाइक इट्स वेरी टेस्टी डिलिशियस. इसको चेंज करना काफ़ी मुश्किल है फॉर एवरी इंडिविजुअल. दिस इज़ ऑल साइकोलॉजी एंड विल पावर बेस्ड एज वेल. इस जंक फूड्स आई टेल यू, रिसर्चर्स सेज कि दे हिट एग्जैक्टली द राइट स्पॉट इन योर ब्रेन जो हमारे कॉग्निटिव सोचने की क्षमता को बिल्कुल शट डाउन कर देता है. एंड दैट इज़ वाई वी ईट देम मोर एंड वी आर नॉट एबल टू स्टॉप. टर्म्स लाइक सेंसरी स्पेसिफिक स्टाइटी, माउथफुलनेस, ब्लिसफुलनेस, ये कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं फूड इंडस्ट्रीज में जो ओवरवेल्म करते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स इन फूड. मतलब अपने फूड में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्लेवर प्रोड्यूस करना, जिसकी वजह से ब्रेन इज सो ओवरवेल्म विद द फ्लेवर्स, वो आपके सेंसरी ऑर्गन्स को ये सिग्नल ही नहीं देता है टू स्टॉप एंड यू कीप ऑन ईटिंग दोज फूड्स. और बहुत टैक्टिक्स यूज होते हैं जंक फूड को बनाने में. फॉर एग्जाम्पल स्टार्ची फूड्स, तो स्टार्ची फूड्स हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट होते हैं उसको स्पाइक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें और भूख लगती है और हमें और क्रेविंग होती है खाने की. एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट रिलेटेड एंड लिमिटेड जस्ट टू विल पावर. आप ये देखिए कि जंक फूड हमारे सराउंडिंग्स में कितना कन्वीनियंटली अवेलेबल है एंड इट इज़ इवन कंपेरेटिवली चीपर देन द हेल्दी फूड. एंड प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर मैं इसमें और डीप में एनालिसिस बताऊँ आपको, सो आई कैन मेक अनदर वीडियो ऑफ इट. आई होप मैंने काफ़ी पॉइंट्स क्लियर कर दिए हों कि वाई जंक फूड इज़ प्रिटी पावरफुल एज फूड. सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव. एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फर्गेट टू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स. एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.